कौम ईद का तीसरा दिन मुबारक हो आप सबको, ईद के तीसरे दिन की खुशियां मुबारक हो। ये देखें, ये मेरा कद्दू है या शायद कि ये लौकी है, जितने बड़े पत्ते हैं ये मुझे लौकी लग रही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैंने कल ही इसका पॉलिनेशन किया। और ये देखें इसका साइज़ चेक करें आप माशाल्लाह, और एक उधर भी साइज़ चेक करें। ये देखें अब मैं क्या करने लगी हूँ कि ये इसमें पत्ते बहुत हैं, क्योंकि ये इससे फ्रूट की एनर्जी में फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इसमें से ये दो पत्ते इधर से और ये दो पत्ते इस तरफ से मैं इनके कटिंग करने लगी हूँ। ये देखें, ये हम कटिंग करने लगे। हाँ, बहुत कांटे, तभी छुरी से मैंने बोला कटिंग करो, क्योंकि जो है ये, और एक मिनट, ये देखें फूल में अभी भी देखें शहद की मक्खी आई हुई है। और चलो काट दो, अभी नीचे से काटो थोड़ा डंडी और, हाँ इस तरफ से, उस वाले को भी ध्यान से काटना, कहीं मॉर्निंग ग्लोरी ना कटिंग हो जाए। कांटे लग रहे हैं, कांटे बहुत हैं। हाँ क्या है ये, ये देखें मैंने चार पत्ते कटिंग कर दिए। अब ये थोड़ा सा इसको एनर्जी में आसानी, वैसे तो शायद ये वाला भी हम कट कर देते तो कोई मसला नहीं होता, बाकी खैर है चलो। और फूल अभी भी देखें, अब ये फूल पका के खाए भी जाते हैं जनाब, ये अंडे में डिप करके भी फ्राई करके खाते हैं, और बेसन में भी करके खा सकते हैं। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो शेयर करें।